हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये पॉलीमर चैप्टर का मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। मतलब अभी तक ये तो बता दिया आपको कि जो मोनोमर होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जोड़ के बनाते हैं पॉलीमर, लेकिन वो किस तरीके से जुड़ते हैं, क्या उनका प्रोसेस है। तो उसके लिए जो क्रियाविधि है वो ये है कि तीन स्टेप जो हैं, ये तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। एक स्टेप कहलाती है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप कहलाती है प्रोपेगेशन एंड थर्ड स्टेप कहलाती है टर्मिनेशन, यानी कि प्रारंभन, विस्तार और समापन पद। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉलीथीन का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलीथीन हमें बनानी है तो हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। अच्छा, ये जितने भी पॉलीमर हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो है ये पराक्साइड की प्रेजेंस में होती है, किसी भी अल्काइल पराक्साइड या फिनाइल पराक्साइड की प्रेजेंस में होती है। तो पराक्साइड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है, तो इनिशिएशन जो चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो पराक्साइड होता है उसको हम फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो रिएक्शन को के रेट को बढ़ाते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनको आपस में रिएक्शन करा के एंड में वो खुद रिलीज़ होके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने लिया है वो है पराक्साइड। तो हम यहाँ पे जस्ट एक ले लेते हैं RCOO। अब यहाँ पे R की जगह कोई भी इथाइल मिथाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजोइल पराक्साइड, क्योंकि मोस्टली जितने भी जो एग्जांपल दिए हैं वो बेंजोइल पराक्साइड की प्रेजेंस में दिए हैं, तो R की जगह फिनाइल या एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले इसके फ्री रेडिकल बनाने हैं, यानी कि मुक्त मूलक बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट देके बीच से ब्रेक कर देंगे। तो जब बीच की इनकी जो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो बन जाएंगे दो फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है यहाँ पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी, बचेंगे टू एल्काइल फ्री रेडिकल। ये हैं फ्री रेडिकल, मतलब मुक्त मूलक मूलक। ये फ्री रेडिकल का काम होता है कि ये अपने साथ में दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनको एंड में रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करवाने के बाद खुद बाद में एंड में एज इट इज़ निकल जाते हैं। तो सेकंड प्रोपेगेशन स्टेप में क्या करना है कि यही एल्काइल रेडिकल जो है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इथाइलिन के साथ, क्योंकि हम इथाइलिन का यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2CH2। तो यहाँ पे जो इनके जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि इथाइलिन तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक ये अपने बॉन्ड को, एक बॉन्ड को फ्री नहीं करेगा, तो ये क्या करेंगे, अपने एक एक बॉन्ड की शेयरिंग ख़त्म कर लेंगे। एक बॉन्ड की ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक बॉन्ड की शेयरिंग ख़त्म कर लेंगे। तो आर रेडिकल जो है वो क्या करेगा, वो इनके साथ में जुड़ जाएगा। तो आर CH2 CH2, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ख़त्म कर ली, तो इस वाले के साथ ये R जुड़ गया, लेकिन अभी इसके पास जगह है, ये अभी और भी मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में भी क्या करेंगे, एक इथाइलिन और जोड़ देते हैं RCH2CH2। ये तो है फ्री रेडिकल, प्लस हमें इथाइलिन को जोड़ना है। तो यहाँ पे सेम फिर वही प्रोसेस कि अपने अपने एक बॉन्ड की शेयरिंग ख़त्म कर लेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन की और इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो R CH2 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 CH2, ये अभी भी फ्री रेडिकल स्टेट में है, क्योंकि जो इस कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ में तो ये पूरा ग्रुप जुड़ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल स्टेट में है। तो ये इस तरीके से आप और भी इथाइलिन जोड़ सकते हैं, कितने भी इथाइलिन जोड़ के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इथाइलिन जुड़ते चले जाएंगे और ये प्रोसेस कहलाती है, ये स्टेप कहलाती है प्रोपेगेशन, यानी कि विस्तार पद की, मतलब इसमें जो है संचरण होता जा रहा है और इथाइलिन जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। फिर लास्ट जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन मतलब समापन पद। तो टर्मिनेशन किस तरीके से दिखाना होता है कि इसी को जो इसमें जो प्रोपेगेशन में आया है स्टेप में वही उठा लेंगे यहाँ पे CH2 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 CH2।
तो यहाँ पे एन नंबर लेंगे, क्योंकि अभी कोई एग्जैक्ट नंबर तो यहाँ पे है नहीं, तो एन नंबर का मतलब कि कितने भी यहाँ पे यूनिट जुड़ सकते हैं इथाइलिन के। तो एंड में क्या करना है कि एक यूनिट को हम शो करेंगे ब्रैकेट लगा के, ओपन बॉन्ड करके CH2 एन लगा देंगे, यानी कि एन का मतलब कितने भी नंबर ऑफ इथाइलिन हो सकते हैं, प्लस जो आर, ये इस आर का काम था कि इन लोगों को आपस में जोड़ना, तो आर एंड में क्या करेगा, वो रिलीज़ हो जाएगा, आर रिलीज़ हो जाएगा और जो इथाइलिन है वो उनकी एक सिंगल यूनिट को शो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इथाइलिन की जगह मान लिया स्टायरीन भी हो सकता है या विनाइल क्लोराइड भी हो सकता है, मतलब जो भी जिसका भी पॉलीमर बन रहा है उसके मोनोमर को हम एक सिंगल यूनिट को दिखाएंगे और एन नंबर लगा के शो कर देंगे। एन का मतलब कि यहाँ पे कितने भी जो मोनोमर हैं वो मोनोमर की संख्या को शो करता है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो करता है। तो इस तरीके से जो है पॉलीमर जो हैं वो बनते चले जाते हैं। तो ये तो थी पॉलीमर के बनाने की प्रोसेस, कि किस तरीके से मतलब इनकी जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है कि किस तरीके से पॉलीमर बनते हैं, तो ये उनको बनाने की प्रोसेस थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो इस चैप्टर में टॉपिक बचे हुए हैं वो हैं एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, उनके एप्लीकेशंस, तो उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो इसीलिए ये पहले से ही मैंने आपको रिएक्शन बता दिए, जिससे कि आपको आगे जो है कोई डाउट ना रहे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।